को लेकर दौर लगातार जारी है। अब समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रेवती रमण सिंह अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता ने राज्यसभा सांसद रेवती रमण से खास बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उसके संस्थापक सदस्य रेवती रमण जी को इस बार राज्यसभा का टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया, जिसके बाद से ये अटकलें लगना शुरू हो गई कि वो समाजवादी पार्टी से अलग हो रहे हैं। प्रयागराज में कई उनके जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनमें से कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ इस वक्त कुंवर रेवती रमण जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो अटकलें लगाई जा रही हैं इसमें कितनी सत्यता है। सांसद जी, कितनी सत्यता है इस बार? आज की तारीख में मैं सपा में हूँ, भविष्य में क्या होगा ये समय आने पर पता लगेगा, लेकिन मैं अभी समाजवादी पार्टी में। आपके कई समर्थक हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो आहत है कि हमको राज्यसभा का टिकट नहीं मिला है, उससे वो आहत है, आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। तो अभी जो ये अटकलें लगाई जा रही हैं इसमें कोई सत्यता नहीं है कि आप समाजवादी पार्टी छोड़ सकते? अभी फिलहाल कोई सत्यता नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप एक मैंने मुलायम सिंह जी के साथ के हैं, लोहिया जी के साथ जी के हैं, उसके बाद भी आप मुलायम सिंह जी का दौर समाप्त हो गया है, अब अखिलेश जी का नया दौर है, नया दौर नई सोच है उनकी, उस सोच के अनुसार उन्होंने काम किया है, काम कर रहे हैं। नया दौर, सांसद जी नई सोच ठीक है, लेकिन कहा जाता है तजुर्बा, खास करके राजनीति में तजुर्बा बहुत मायने रखता है, और आपसे ज्यादा तजुर्बेकार शायद मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी में कोई नहीं है। वैसे तो मैं सबसे सीनियर हूँ मुलायम सिंह जी के बाद पार्टी में, लेकिन तजुर्बे का हमारे समझ से आज कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जो नौजवान हैं, नौजवानों का ही दौर चल रहा है, अखिलेश जी उसी दौर को प्रतिनिधित्व करते हैं। सर जी, एक सवाल, क्या ये जो अनदेखी की जा रही है, पहले शिवपाल यादव जी की, फिर आजम खान जी की, और अब कहीं ना कहीं अनदेखी की गई आपकी, तो इससे क्या समाजवादी पार्टी का वो अस्तित्व जो एक होता था वो रहेगा? अभी समय बताएगा कि रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो समय ही बताएगा ना, आज कैसे कहा जाए। लेकिन उनको जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है कि उनको हम ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। ये थे हमारे साथ सांसद जी।